फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है एक जानकारी के बारे में है कि अगर आप फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आपके दिमाग में ये रहता है, यार कहीं हम फ्रिज लेने जा रहे हैं, सही जानकारी है नहीं है, कैसे खरीदना है कैसे नहीं खरीदना है, एक दुविधा लगा रहता है कि कहीं हम फंस ना जाएँ। तो इसलिए आपको हम पहले से ही एक जानकारी दे रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो फ्रिज खरीदने से पहले आपको ये बात का पूरी ध्यान होना चाहिए कि फ्रिज किस टाइप की खरीदें। जैसे फ्रिज आपको, जैसे आदमी देखने में देख लेता है कि सो है, अच्छा है, अंदर बढ़िया है, सब कुछ है, कलर अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन क्या होता है कि उसमें जो सिस्टम है वो किस प्रकार से है कि जो हमको बाद में कोई परेशानी ना हो, तो उस टाइप को ध्यान देना है। तो फ्रिज जो है आजकल मार्केट में दो टाइप की आने लगी है। जैसे एक फ्रिज में पीछे जाली होती है और एक जो दूसरी टाइप की फ्रिज होती है उसमें जाली नहीं होती है, वो जाली अंदर होती है। तो हमको क्या ध्यान देना है, जो जाली बाहर साइड है हमको वो जाली लेना है, क्योंकि बाहर वाली जाली और वो दो जिसमें अंदर होती है उसमें हम आपको फ़र्क एकदम साफ बताएंगे जो आपके समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये फ्रिज में बाहर जाली है, तो बाहर जाली से क्या होता है, ठंडक होती है वो अंदर कोई ऐसा नहीं पड़ती है, बढ़िया ठंडक रहती है। और जाली क्या है, बाहर रहने से उसमें हवा लगने से ठंडा हो जाती है, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं होती है। और जिसमें जाली अंदर होती है तो ये क्या होता है, ये फ्रिज चलने के बाद चलते चलते ये जाली जो होती है हीट होती है, और जिसमें अंदर जाली होती है उसमें हवा तो पहुँच नहीं पाती है, इस कारण के वजह से वो जो है जाली और हीट हो जाती है, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि आपकी वो फ्रिज एकदम गर्म हो जाती है। अगर आप उसको फ्रिज के साइड साइड में देखेंगे तो काफ़ी गर्म हो जाती है। और वो ज़्यादा गर्म होने के वजह से भी क्या होता है कि उसकी जो अंदर कूलिंग होती है वो कूलिंग के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जो है जो फ्रिज ख़रीदना है तो बाहर की जाली वाली ख़रीदें। अगर मान लीजिए जाली अंदर है और बाई चांस कोई चीज़ उसमें दिक्कत आ गई, रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी, तो अगर मान लीजिए वो जाली लीकेज हो गई, गैस निकल गई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिस्त्री के पास अगर आप जाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो जाली रिपेयर नहीं हो पाएगी, वो तो अंदर साइड है ना, वो निकल पाएगी, तो वो क्या करेगा, एक जाली हमारी बाहर लगा देगा। तो जिसके वजह से हमारा वही सिस्टम बन जाएगा जो सिस्टम हम आपको बता रहे हैं कि जाली बाहर वाली जाली को लेना है। तो ऐसा हम लोग करें कि पहले से ही हम उस टाइप की फ्रिज लें कि जिसमें ये दिक्कत ना हो। एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो हीट होती है, अब बहुत ज़्यादा ही वो हीट हो जाती है जिसके वजह से अंदर कूलिंग पर भी असर पड़ता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप नई फ्रिज लेने जा रहे हों तो जाली जो है हमेशा बाहर हो, जिसमें रिपेयरिंग में भी आसानी होगी और वो फ्रिज हीट भी नहीं होगी, तो मतलब काफ़ी हीट हो जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।